हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखिए किसके किसके बारे में चर्चा की, तो हम लोगों ने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक, यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा। उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज देखिए हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि देखिए बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि सम्राट अशोक कौन थे और ये कब गद्दी पर बैठे। तो देखिए सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो ये डेट हैं, यानी कि 273 से 236 ईसा पूर्व, तो इसमें कई डेट आपको मिल सकती हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर आपको 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व मिल सकती है, कहीं कहीं पर आपको 273 से 236 ईसा पूर्व मिल सकती है, कहीं कहीं पर 273 से 232 ईसा पूर्व मिल सकती है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा ऑप्शन हो उस अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दीजिएगा। और जो मैंने ये डेट यहाँ पे ली है, तो ये आपकी जो राधा प्रकाशन बुक है वहाँ से मैंने ली है, तो इसलिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके का मैंने जैसा कि बताया कि जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर ये डेट दिए हो, मान लीजिए 304 ईसा पूर्व से 232, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगर 273 से 236 दिए हैं तो ये सही हो जाएगा, और 273 से 232 ईसा पूर्व दिए हैं तो आपका ये सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब तीन डेट हैं ये सही हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये तो नहीं है कि ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन है तो यही तीनों ऑप्शन ऐसे दे देंगे, है ना। तो ऐसे तो नहीं क्वेश्चन खैर बनाते, क्योंकि घुमा के इतना नहीं भी पूछते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक, यानी राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय था। उसके बाद देखते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, क्योंकि इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था, तो बिंदुसार था, इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। जिनका शासनकाल कब तक चला, तो 298 से 273 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर ये बैठे थे। और अशोक देखिए कौन थे, तो अशोक बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सम्राट अशोक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। और अशोक की माता का नाम, यानी देखिए जो उनकी माता थी वह चंपा निवासी एक ब्राह्मण कन्या थी, जिनका नाम धम्मा सुभद्रांगी था, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है, अशोक की अनेक पत्नियां थी, क्योंकि देखिए इनकी कई पत्नियां थी, जिनमें देवी सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। क्यों प्रसिद्ध थी, तो महेंद्र और संगमित्रा इन्हीं की संतानें थे। और आप लोग जानते होंगे कि महेंद्र और संगमित्रा देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, इनको किसने भेजा था, तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है कि देखिए महेंद्र और संगमित्रा को कहाँ भेजा गया था और किसने भेजा था, इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ भेजा गया था, तो श्रीलंका भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और किसने भेजा था, तो उनके पिता ने, यानी सम्राट अशोक ने भेजा था, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं, अशोक की दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती था, जिसके पुत्र का नाम कुणाल था। तो देखिए ये क्या थे कि ये अवंती और तक्षशिला का प्रांतपति रह चुका था, कौन, तो कुणाल। और इन दोनों पदों पर उसने बड़ी निपुणता और योग्यता का परिचय दिया था, इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ का शासन संभाला था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शासक बनने से पहले अशोक
तक्षशिला उज्जैन का गवर्नर था और अशोक का राज्याभिषेक 269 यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ। अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें क्या हुआ देखिए, जिसमें 100,000 लोग मारे गए और 150,000 लोग बंदी बना लिए गए। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखिए, अगर बात करें कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध क्या था देखिए, अशोक ने क्या किया, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अपनी सेना को लेकर कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। किसने कर दिया था, तो सम्राट अशोक ने कर दिया था, और कलिंग की सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ी। लेकिन क्या हुआ, अशोक की बहुत बड़ी सेना थी, यानी विशाल सेना के आगे जो उनकी सेना थी वो नहीं ठहर सकी, और कलिंग को अशोक ने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। यानी कि क्या हुआ था कि इनकी बहुत बड़ी सेना थी और जो कलिंग की सेना थी वो उनके आगे नहीं टिक पाई, और क्या हुआ, अशोक ने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। उसके बाद देखिए, कलिंग युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या हुआ था कि कलिंग विजय का परिणाम अशोक के दिल में क्या हुआ, यानी हृदय में परिवर्तन ला दिया था। क्यों, क्योंकि देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है ना, भीषण हत्याकांड हुए थे। इस भीषण जो बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे मतलब स्त्री पुरुष विधवा, यानी क्या हुआ था कि बहुत लोग मारे गए थे, जो बहुत सारी स्त्रियां थी वो विधवा हो गई थी, और क्या हुआ था कि भयंकर महामारी फैली। और अशोक के दिल में क्या हुआ, जो इस भयंकर रक्तपात, यानी कि इतना खून उन्होंने देख लिया, इतना रक्त उन्होंने देख लिया कि इन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मरते हुए देखा था, इतनी नारियों को विधवा होते हुए देखा था, कि उनके दिल में ये चीज़ आ गई कि वो अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और देखिए, युद्ध यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं करेंगे, यानी कि उन्होंने ये कहा कि अब जब मैं यात्रा करूँगा तो युद्ध के लिए यात्रा नहीं करूँगा, धर्म के लिए यात्रा करूँगा, ठीक है ना। उन्होंने केवल देखिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब अगर जैसे बात करते हैं कलिंग युद्ध का महत्व क्या रहा, तो देखिए कलिंग युद्ध ने हमारे देश के क्या किया, सामाजिक और सांस्कृतिक, क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया था, और इसके बाद साम्राज्यवादी नीति का अंत भी हो गया था, और जिसका प्रारंभ क्या हुआ, मगध नरेश बिंबिसार ने आर्य पर विजय प्राप्त करके किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है कलिंग का युद्ध, क्योंकि कलिंग के युद्ध में इतने लोग मरे थे, इतनी नारियां विधवा हुई थी, और इतना रक्तपात उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने कह दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध की जगह जो यात्रा करता हूँ युद्ध के लिए, तो मैं युद्ध के लिए यात्रा ना करके मैं धर्म के लिए यात्रा करूँगा। और वो देखिए क्या बन गए थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, और वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, और उन्होंने क्या किया था कि अपने पुत्र और पुत्री तक को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं, उपगुप्त नामक गुरु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। अब देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई, तो उपगुप्त के द्वारा शिक्षा दी गई। इन्होंने अपने पुत्र, देखिए जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था, किस लिए भेजा था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना। और अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपने आदेश अभिलेखों के माध्यम से दिए थे। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने आदेशों को लिखवाया था, कहाँ कहाँ पे लिखवाया था, जैसे पत्थरों पर, खंभों पर, गुफाओं पर, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, यूनानी एवं आरामिक लिपि में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप
देखिए किसने, तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। उसके बाद आपका हो जाता है अशोक के इलाहाबाद के शिलालेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब देखिए अगर आ जाए कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो अशोक के इलाहाबाद के शिलालेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इस अभिलेख पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर 1605 के तख्त पर बैठने का वाक्य भी खुदवाया गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि इस अभिलेख में कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तो हुआ ही, उसके बावजूद मतलब 1605 ईस्वी के जो तख्त पर बैठने का वाक्य था वो भी इसमें खुदवाया गया था, ठीक है ना। और देख लेते हैं कि अशोक के रोमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा गया यानी कहा जाता है। यह अशोक का यानी क्या था कि जो आपका देखिए अशोक के रोमनदेही सबसे छोटा अभिलेख है, ये आपका सबसे छोटा अभिलेख है। उसके बाद चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के तीन प्रकार के अभिलेख पाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सा हो जाता है, तो शिलालेख हो जाता है आपका, स्तंभ लेख हो जाता है, गुहा लेख हो जाता है। अब देखिए शिलालेख की अगर बात की जाए तो शिलालेख का मतलब होता है, शिला मतलब पत्थर होता है, तो जो पत्थरों पर लिखवाया गया उसको शिलालेख कहते हैं। उसके बाद स्तंभ लेख यानी स्तंभ मतलब खंभों को कहते हैं, तो खंभों पर जो लेख लिखवाए जाते हैं उनको स्तंभ लेख कहते हैं। फिर गुहा लेख यानी कि गुफाओं के अंदर जो लेख लिखवाए गए उनको गुहालेख कहा जाता है। तो इस तरह से उनके शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख हो जाते हैं। और देखिए अगर थोड़ी सी बात की जाए बौद्ध धर्म के प्रचार के विषय में, तो देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार जो कलिंग का युद्ध था उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मानते जैसे सेनार्ट के अनुसार, आपके जो सेनार्ट हैं ठीक है ना, सेनार्ट के अनुसार क्या हुआ कि देखिए बौद्ध धर्म नहीं था, परंतु क्या हुआ हेमचंद चौधरी के अनुसार अशोक निश्चित रूप से बौद्ध थे, ठीक है ना, क्योंकि सेनार्ट ने बताया कि वो बौद्ध नहीं थे यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, और हेमचंद्र ने बताया कि वो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, यानी कि बहुत सारा वर्क किया। इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से वर्क किए। तो अशोक द्वारा स्वयं धर्म का आचरण करना, तो अशोक ने सबसे पहले क्या किया, स्वयं धार्मिक आचरणों का पालन किया, यानी वो उन्होंने खुद से अपने आप को पहले धार्मिक आचरणों का पालन, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमको पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, हमको उसी तरीके से बनना चाहिए। अगर हम आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं तो हमको पहले उसी तरीके का बनना चाहिए, उसके बाद ही तो हम आपको ज्ञान देंगे। तो यही चीज़ हुई कि पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने आचरण का पालन किया, और उन्होंने केवल धर्म का उपदेश ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने स्वयं उसका आचरण किया था, खुद भी उन्होंने उसका आचरण किया था, उसको अपनाया था, उसको माना था, उसके मार्ग पर चले थे, ठीक है ना। और धर्म यात्रा की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए कि धर्म यात्रा की बात की जाए, देख लेते हैं समझ लेते हैं। देखिए इसको जितना ही आप डिटेल में समझेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आपका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की अगर बात की जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बिंदुसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आज अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तीनों राजा जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इनको हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे इनके बारे में। तो देखिए अशोक ने क्या किया, अशोक ने विहार यात्राओं और आखेट और भी चीज़ों का परित्याग कर दिया था, यानी कि आखेट मतलब शिकार का भी त्याग कर दिया था, और इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य जो था तो क्या था कि ये मनोरंजन करना था उनका, ठीक है, आमोद प्रमोद करना था, लेकिन शिकार करना नहीं था। उन्होंने इन यात्राओं के जगह पर क्या किया, धर्म यात्राओं को प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध यात्रा की जगह पे हम धर्म यात्रा करेंगे, और उन्होंने अपने आप को खुद तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा राज कर्मचारियों को भी धर्म यात्राओं के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने क्या किया कि जो राज कर्मचारी थे उनको भी धर्म यात्रा के लिए प्रेरित किया था, और वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते थे, जगह जगह पर भेजते थे। और देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाना, इसमें समझ लेते हैं क्या, बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाना, बौद्ध
धर्म को राज्य धर्म बनाना, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया और धर्म प्रचार के लिए सरकार की ओर से धन का व्यय किया जाता था। धर्म प्रचार क्या हुआ, धर्म प्रचार में सरकारी कर्मचारी भी योगदान देते थे, ठीक है ना। अब अगर देखिए बात की जाए तो अशोक का जो धम्म था, यानी धम्म का मतलब धर्म को, जैसे अगर धम्म कहीं पे आ जाता है और इसका अर्थ पूछ लिया जाता है तो धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है ना। धम्म का मतलब होता है धर्म, तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं, ठीक है ना। तो अशोक खुद राज्य में दूर दूर जगहों का दौरा करते थे और अशोक अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए और इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों और लोगों के लिए अपने संदेश को खुदवाए ताकि लोग उनकी बातों पर ध्यान दे सकें। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये संदेश लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा में लिखवाए। उस समय जिस तरह की बोलचाल की भाषा थी उसी भाषा में उन्होंने लिखवाए और चट्टानों और खंभों पर खुद उनके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। उन्होंने देखिए सबसे पहले क्या बताया, उन्होंने बताया कि हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें मैं खुद दुखी हूँ। उन्होंने देखिए खुद लिखवाया ये चीज़, आप समझिएगा कि इसमें मैं खुद दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। उसके बाद देखिए क्या है, मैं मानता हूँ कि धर्म में जीतना युद्ध जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। और उसके बाद देखिए उन्होंने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महापात्र कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि धम्म महापात्र किन्हें कहा जाता था, तो धम्म महापात्र उन्हें कहा जाता था जो देखिए धर्म के बारे में बताते थे, जिनको उन्होंने अधिकारी के रूप में रखा था उन्हें कहा जाता था धम्म महापात्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन हो गए, धम्म, देखिए धम्म तो आपका हो गया, यहाँ पे देखिए धम्म तो हो गया आपका धर्म और महापात्र जो उसका यानी धर्म को फैलाने का कार्य करते थे उनको कहा जाता था धम्म महापात्र, ठीक है। और उनका काम क्या था कि गांव-गांव नगर-नगर जाकर लोगों को व्यवहार की बातें बताएं, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें बताएं। तो क्या हुआ, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संगमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की जिसे तीसरी बौद्ध सभा भी कहते हैं। और इसके अलावा देखिए अशोक ने बौद्ध स्तूपों यानी धार्मिक स्मारक और बौद्ध विहारों यानी भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण करवाया और सांची स्तूप के निर्माण की प्रारंभ उसी ने कराया और पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए चार सिंह हमारा राज्य चिन्ह है, इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और देखिए विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार और मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसके बारे में समझ लेते हैं, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लें। बौद्ध प्रथम बौद्ध सभा तो किसके समय में हुई, तो प्रथम जो बौद्ध सभा थी, प्रथम बौद्ध सभा तो ये हो जाती अजातशत्रु के समय में, किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में। उसके बाद देखते हैं द्वितीय यानी सेकंड बौद्ध सभा, देखिए बौद्ध सभा ये किसके समय में हो जाती है, तो कालाशोक, ठीक है ना, तो किसके समय में, तो काला शोक के समय में, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तृतीय यानी कि थर्ड, देखिए बौद्ध सभा किसके समय में हो जाती है, तो अशोक के समय में हो जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध सभा की अगर बात की जाए तो कनिष्क के काल में हो जाती है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप ट्रिक वाइज कैसे याद रखेंगे। तो देखिए प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा और चतुर्थ बौद्ध सभा, तो इसमें हम देखिए अजातशत्रु का आ ले लेते हैं, अजातशत्रु का आ ले लेते हैं, कालाशोक का का में आ की मात्रा ले लेते हैं, ठीक है, फिर आ की आ ले लेते हैं,
और उसके बाद का कनिष्क का का ले लेते हैं, तो अका अक। हमने तो भाई इसी तरीके से इसको याद किया और आज तक हम भूले ही नहीं, जब से हमने इसको याद किया कि आ से आपका अजशत्रु, का से कालाशोक क्योंकि कालाशोक, और फिर आ से अशोक हो जाता है और का से कनिष्क हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको याद किया था। आप लोग भी इसको इसी तरीके से समझ लें और याद कर लें। उसके बाद देखिए शिलालेख विषय वस्तु, तो इसमें देखिए पशु बलि की निंदा, इसमें क्या किया गया जो कि पशु बलि की निंदा की गई। ब्राह्मणों तथा स्वर्णों के प्रति निराधार की प्रवृत्ति, हिंसा तथा अन्य गलत प्रवृत्तियों पर धम्म नीति के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। यानी पशु बलि की निंदा की गई है कि है तो वो जानवर ही है तो उनमें जान ही, तो उनकी बलि पर उन्होंने निंदा की। उसके बाद देखिए जो पाँचवा शिलालेख है उसमें धम्म महामात्यों की नियुक्ति शासनकाल के 14वें वर्ष में, इसमें ये बताया गया। उसके बाद नवा शिलालेख है उसमें जन्म, बीमारियों, विवाह के उपरांत मनाए जाने वाले समारोहों की निंदा की। अब देखिए इन्होंने इसमें जो नवा शिलालेख है इसमें इन्होंने किसकी निंदा की कि जो विवाह होता है तो उसमें कितना पैसा खर्च होता है, जहाँ पे थोड़े लोगों की ज़रूरत होती है, थोड़े पैसों का खर्चा होता है, वहाँ पे लोग दिखावे में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा देते हैं। लेकिन वो इसके क्या थे, खिलाफ थे कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, जब हमारा कम पैसों में काम चल जाएगा, कम लोगों में काम चल जाएगा तो ये सब क्यों होता है। और जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में कितने फंक्शन किए जाते हैं, कितने का बहुत ज़्यादा, जैसे कि सभी धर्मों में ये चीज़ मनाई जाती है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो वो इसके खिलाफ थे। ये किस में है, तो नवे शिलालेख में, यानी अभिलेख में। उसके बाद देखिए 11वें में क्या है, तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है, धर्म की, ठीक है ना, धम्म मतलब धर्म हो जाता है, धर्म नीति की व्याख्या की गई है। उसके बाद है आपका 13वें अभिलेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन तथा पड़ोसी राज्यों के नामों का उल्लेख। अब देखिए जो 13वां अभिलेख है इसमें क्या हुआ, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये युद्ध ही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इन्होंने देखिए जब बहुत सारे लोग मारे गए थे तो इनके मन में ये चीज़ आ गई थी कि अब मैं इतना रक्तपात नहीं देख सकता, इतने लोग खामखा मारे गए सिर्फ काहे के लिए, शासन के लिए, तो मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा, अब मैं धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा और उसी में लीन रहूँगा। तो आपके लिए जो ये 13वां हो जाता है, ये मतलब 13 नंबर का हो जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इस पर और भी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ, धार्मिक शिक्षाओं को लिपिबद्ध कर दिया, तो धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने क्या किया, धर्म के सिद्धांतों को पर्वतों, चट्टानों, पत्थरों पर, गुफाओं पर अंकित करवाया था और देश के बहुत से भागों में शिलालेख और स्तंभलेख स्थापित करवाए थे, ठीक है ना। तो शिलालेख जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पत्थरों को कहते हैं, और स्तंभ खंभों को, खंभों पर जो लिखवाए थे, और गुफाओं के अंदर जो लिखवाया था उन्हें कहा जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, यानी शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखवाना, स्तंभलेख यानी खंभों पर लिखवाना, और गुहालेख यानी गुफा के अंदर लिखवाना। अब अगर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आज कंप्लीट ही हो जाए, तो इसमें मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसके क्या कारण थे, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कि पतन के कारण लिखिए, डिटेल में भी लिखना आ जाता है, यानी कि लघुत्री टाइप में भी लिखना आ जाता है, और ज़्यादातर तो लघुत्री में भी आता है, यानी लघुत्री में ही आता है ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, देखिए सबसे पहले क्या था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो अंतिम जो शासक थे वो बृहद्रथ थे, कौन थे, बृहद्रथ थे, और फर्स्ट शासक के बारे में तो आप जानते ही, चंद्रगुप्त मौर्य, और जो अंतिम थे वो बृहद्रथ थे। और देखिए
जो वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, शासन तभी तक अच्छा चलेगा, कहते नहीं जब एक घर ही अच्छे से चलेगा, जब उसका मुखिया बहुत अच्छे से सबको अपने कंट्रोल में रखता है, अच्छे से, मतलब कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि बंदिशें बना के रखे, मतलब ये है हर परिवार के हर सदस्य को समझता है, अच्छे से कार्य करता है और दिमाग लगा के कार्य करता है। तो इसी तरह से जब राजा अच्छा राजा होता है तभी वो अपने शासन को अच्छे से चलाता है, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, तभी शासन चल पाता है। लेकिन जब आलसी लोग हो जाते हैं तो आयोग्य उत्तराधिकारी हो जाते हैं, वो आलस में पड़े रहते हैं, तो क्या होता है, तो शासन का अंत होना निश्चित हो जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर हुई कि देखिए क्या हुआ कि जो परिवार के लोग थे वो षड्यंत्र करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अधिकारी हुए वो आयोग उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद क्या हुआ, अशोक की शांतिवादी नीति। अब देखिए, उन्होंने पहले तो उनसे सब डरते थे, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि अशोक की शांतिवादी नीति से सेना को दुर्बल बना दिया और सैनिक संगठन कमज़ोर हो गया और सेना को युद्ध का अभ्यास ना रहा और राज्य में होने वाले विद्रोह का वो दमन नहीं कर सके। यानी कि देखिए, अब उन्होंने क्या किया था, जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उन्होंने उसके बाद से युद्ध ना करने की प्रेरणा ली, युद्ध ना करने की मतलब शपथ ले ली कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। फिर उसके बाद जो उसके जो सैनिक थे तो अब युद्ध करने की जो उनकी मतलब एक कहते नहीं कि प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो, कोई चीज़ होती है तो प्रैक्टिस पर निर्भर होती है, उनकी प्रैक्टिस छूट गई। और जो लोग थे मतलब लोग का दूसरे लोग थे तो उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो तो उठाना ही था क्योंकि अब वो युद्ध कर नहीं रहे थे, ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, धार्मिक कारण। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक की धार्मिक नीति थी और अशोक ने धार्मिक प्रसार के कारण भारत को मानवता और विश्व बंधुता को मिला दिया और राष्ट्रीय और राजनीतिक स्थिरता की नींव खिसक गई। यानी कि क्या हुआ कि अब इन्होंने सिर्फ धर्म पे ही क्या किया, धर्म पर ही ध्यान देते थे और अपने राजकाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, तो ये भी पतन का कारण रहा। आर्थिक कारण क्या हुआ, मौर्यों के साम्राज्य का पतन उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भी हुआ, यानी उनकी वजह से हुआ। और क्या हुआ, देखिए जो कोष था यानी जो राजकोष था वो खाली हो गया था, तो आर्थिक साधनों के अभाव में सैनिक गतिविधियां संचालित करने में कठिनाई हुई, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहा तो क्योंकि अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं और साम्राज्य को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं रह गई, तो इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस तरह से मोटा मोटा मैं यानी मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले पारिवारिक षड्यंत्र हो गया, आयोग उत्तराधिकारी हो गए, अशोक की शांतिवादी नीति हो गई, क्योंकि कहते नहीं हैं कि जब कोई शांति से बैठ जाता है तो उस पर लोग हावी हो जाते हैं, है ना, और धार्मिक कारण भी था और आर्थिक कारण भी था, तो ये सब कारण हो जाते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।